सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब लोग ऑन पैसिव के अंदर हैं, आप भी ऑन पैसिव के अंदर हैं। और इस ऑन पैसिव के अंदर हम एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड लेवल का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। और उस बिजनेस के पीछे हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जो है सपना भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपका जो सपना है वो आपका पूरा नहीं हो सकता? पता है आपको, आपका जो सपना जुड़ा हुआ है या आप जो सपना देख करके आए हैं वो सपना आपका पूरा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि आज वही कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सपना आपका पूरा हो सकता है। बस जस्ट इसका अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो सपना आपका पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर हैं और यहां पे सब कुछ बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक होने ही वाला है। सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सपना क्या होता है, वो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एक बुक बुक का नाम सुना होगा, नेपोलियन हिल की एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक के अंदर एक लाइन कही गई है, नाम, ताकत, पैसा, शांति, शोहरत और खुशियां, अगर हम इन सारी चीजों को मिला दें तो यहीं से ही हमारा शुरू होता है सपना। यानी कि सपना वो होता है जिसमें ये सारी की सारी चीजें जो है मिली हुई होती हैं, जिसमें शांति भी हो, जिसमें दौलत और शोहरत भी हो, जिसमें खुशियां भी हो, जिसमें नाम भी मिले, पहचान भी मिले और ताकत भी मिले, वो होता है रियल ड्रीम। अगर आपने ये वाली बुक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली बुक जो है जरूर पढ़ें, थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं उसी तरीके से आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपने रियल पॉइंट की, कौन सा सपना आपका पूरा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपका जो भी सपना होगा आपका पूरा होगा, लेकिन कौन सा सपना आपका पूरा होगा आप खुद देखिए। मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि आपका सपना क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपका सपना कौन सा पूरा होगा और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो सपना आपका अचीवेबल होगा, अचीवेबल का मतलब है जो आप बहुत ही कम समय में जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हासिल करने लायक होगा, वो सपना आप यहां से पूरा कर सकते हैं। अब जो सपना अचीवेबल ही नहीं है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो अचीव ही नहीं हो सकता, तो वो सपना कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आने वाले टाइम के अंदर ऑन पैसिव से कितनी भी इनकम आ जाए और आप सोचें कि मैं ताजमहल खरीद लूं, आप नहीं खरीद पाएंगे। आपके पास ऑन पैसिव से आने वाले टाइम के अंदर कितनी भी इनकम आ जाए, आप ये सोचें कि मैं मंगल ग्रह पर जो है अपना घर बनवा लूं, आप नहीं बनवा सकते। बिकॉज ये जो सोच है ना, ये अचीवेबल नहीं है। तो ये सपना आपका पूरा नहीं होगा, सपना वही पूरा होगा जो अचीवेबल होना ही चाहिए। आपका सपना वो पूरा होगा जो अचीवेबल होगा। तो ऐसा आप ड्रीम बनाएं जो कि आप अचीव कर सकें इस पृथ्वी पे। कहीं ऐसा उल्टा सीधा ड्रीम मत बना लेना कि उसको सुनने के बाद में जो है आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके दूसरे यार दोस्त जो है आपकी हंसी उड़ाएं। तो अचीवेबल होना चाहिए। नंबर टू, आपका जो सपना है, ड्रीम है, वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आपका सपना पूरा हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अंदरूनी खुशी जो आपको हमेशा रहे, जिंदगी भर रहे, वो आपका सपना एक आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब जब आप उस चीज को देखें, जब जब आप उस चीज को इस्तेमाल करें, तो तब तब आपको उस चीज का एहसास हो, आपको खुशी महसूस हो, वो आपका सपना जरूर पूरा होगा। उसके बाद आपका वो सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा सपना आपको चुनना है जो आपके पड़ोसी आपसे कभी चुरा ना सके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बता देते हैं और फिर दूसरे लोग भी उस काम को करने लगते हैं। तो कभी भी आप अगर अपना सपना देख रहे हैं, कोई ड्रीम देख रहे हैं, तो ऐसा ड्रीम आपका जरूर पूरा होगा जिसको आपके पड़ोसी जो है कभी भी नहीं चुरा पाए, कोई भी यार दोस्त या कोई फैमिली मेंबर जो कभी भी ना चुरा पाए, तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। और ये जो सपने वाली जो बात है वो कभी भी आपको किसी के साथ जो शेयर नहीं करनी है, खास तौर से आलतू फालतू लोगों से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। सपना वही पूरा होता है जिसकी कीमत आप चुकाते हैं।
क्योंकि आपको हर एक चीज की कीमत देनी पड़ती है। एक बार मैं किसी एक मॉल में गया था, वहां पे मैंने एक टी शर्ट के ऊपर एक टैग देखा था, उस पर लिखा था 250 रुपए के आसपास, और उसके बराबर में एक और टी शर्ट जो है टंगी हुई थी हैंगर पे, तो उस पर प्राइस टैग था ही नहीं। तो मैंने वहां उस मॉल के अंदर एक व्यक्ति था जो मॉल के अंदर होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इस टी शर्ट की जो है प्राइस क्या है, तो उन्होंने देखा तो उस पर प्राइस टैग ही नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इस पर प्राइस टैग नहीं है, ये टी शर्ट आप नहीं ले सकते। तो वहां से एक चीज मुझे ये सीखने को मिली कि हर चीज की एक प्राइस होती है, हर चीज की एक कीमत होती है, और जिसका कोई प्राइस टैग नहीं है वो आप किसी भी हालत में इस दुनिया से हासिल नहीं कर सकते। तो आपको हर चीज की जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो उसकी भी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। आपका वही सपना पूरा होगा जिस पर आप अटल रहेंगे, जिस पर आपका सीधा फोकस होगा वो आपका सपना पूरा होगा। अगर आपका फोकस जो है डगमगा जाएगा तो आपका वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपने एक लेंस को देखा होगा, एक मैग्नीफायर लेंस आता है, जिससे कि बचपन में हम क्या करते थे कि हमने वो धूप में लिया और एक कागज लिया और उसको इस तरीके से एक बिल्कुल रोक दिया वहीं की वहीं, और सूरज की रोशनी उससे पार होकर के कागज पे जाती थी, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी उस कागज पे जाती है और थोड़ी थोड़ी देर हो जाती है और एक मिनट के बाद वो कागज जो है जल जाता है। तो इस बात से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोकस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो मैग्नीफायर है, इस तरीके से आप करते रहोगे सूरज की रोशनी में, क्या वो कागज जलेगा? कभी भी वो कागज नहीं जलेगा। अगर आप मैग्नीफायर लेंस को इस तरीके से अगर आप रोक लोगे और इस तरीके से रोकने के बाद में और उसे आप कागज के ऊपर रोक लेते हो और सूरज की रोशनी उस पर जाती है तो कागज जल जाएगा। ये प्रूफ करता है कि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका सपना वही पूरा होगा जो एक टाइम बाउंडेशन के अंदर होगा। टाइम बाउंडेशन का मतलब ये होता है, अभी जब हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा और हम सब लोगों के पास एक अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको वहां पे क्या करना है, एक टाइम बाउंडेशन का भी ख्याल रखना है कि मुझे अब एक साल के अंदर इतना काम करना है और एक साल के अंदर ये वाली चीज हासिल कर लेनी है। ये नहीं है कि हाँ कभी भी कोई भी चीज हासिल हो जाएगी, नहीं, वो चीज कभी भी हासिल नहीं हो सकती। सपने को अगर आपको पूरा करना है, वही सपना आपका पूरा होगा जो एक टाइम पीरियड में जो है बंध जाएगा। तो इस चीज का बहुत ही सही तरीके से आपको ख्याल रखना है। एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। आपने पिकासो का नाम सुना होगा। जी हाँ, पिकासो एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। उनके पास एक लड़की आती है और पिकासो जो है उनको एक पेंटिंग, बहुत ही बढ़िया सी पेंटिंग जो है 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना करके गिफ्ट कर देते हैं एक लड़की के लिए। वो लड़की जो है उस पेंटिंग को लेकर के चली जाती है और जब वो वहां जाती है अपने घर में रख देती है, तो वो सोचती है कि पिकासो ने जो मुझे पेंटिंग दी थी उन्होंने बताया था कि इसकी कीमत $1 मिलियन की है, जो कि 30 सेकंड में बनाई थी। उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन की है, यानी कि 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। जी हाँ, $1 मिलियन यानी कि $10 लाख की है। तो वो सोच में पड़ जाती है कि 30 सेकंड में क्या एक $1 मिलियन की पेंटिंग बन सकती है। तो उसने आसपास के इलाके में जहां भी पेंटिंग का काम होता है या जहां भी ये पेंटिंग बिकती है, तो वहां पे जब कीमत पूछी गई तो वास्तव में उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन ही निकली। उसके बाद वो लड़की वापस पिकासो के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मुझे भी आपकी तरह जो है पेंटिंग बनानी सीखनी है। अगर एक पेंटिंग 30 सेकंड में बन सकती है और वो $1 मिलियन में बिक सकती है, तो इससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। तो उसने कहा कि मुझे भी ये पेंटिंग सीखनी है। तो पिकासो ने कहा ठीक है, मैं आपको पेंटिंग सिखाऊंगा, लेकिन ये जो 30 सेकंड्स में आप सोच रहे हो कि मैंने एक $1 मिलियन की पेंटिंग बनाई है, ये 30 सेकंड में नहीं बनी है। इसके पीछे 20 से 30 साल की मेहनत लगी है, 20 से 30 साल की मेहनत लगी है, तब जाकर के ये 30 सेकंड में मेरी एक $1 मिलियन की पेंटिंग बनी है। क्या आप इस टाइप की मेहनत करने को तैयार हो? 20 से 30 साल आपको खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये 30 सेकंड का जो काम है ना, वो आप 25 सेकंड में भी पूरा कर सकते हैं। तो यहां पे ये चीज होती है कि आपका अगर कोई ड्रीम है तो आपको वहां पे बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और बड़े ड्रीम को अगर हमें हासिल करना है तो हमें समय, जो कि सबसे
इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा कीमती होता है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए चुकाना पड़ता है। तो यहां पे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका सपना पूरा होगा बशर्ते आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर का मतलब यही है कि एक आपको अंदर से आग लगी होनी चाहिए कि मुझे ये सपना हर हाल में पूरा करना ही करना है। फालतू कामों को दिमाग से अगर आप हमेशा के लिए हटा देते हैं तो आपका सपना 110% जो है पूरा होगा ही होगा, चाहे फिर वो कोई भी सपना हो, लेकिन अचीवेबल होना चाहिए और टाइम बाउंडेशन के अंदर होना चाहिए। अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि आपका कोई सपना है वो अचीवेबल है ही नहीं, तो वो आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सपना पूरा करना है तो कम से कम हमें एक मास्टर माइंड का एक ग्रुप भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्टर माइंड का ग्रुप का मतलब यह है कि जो आपको इनकरेज करें, जो आपको समझाएं, जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करें, जो आपको और भी ज्यादा धक्का दें जिससे कि आप और ज्यादा अंदर से आपका हौसला बढ़े। तो इस तरीके से अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो 100% आप अपने लाइफ के अंदर आपका जो भी सपना है वो आप जरूर अचीव करेंगे, जरूर हासिल करेंगे। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए कि आप जैसे ही हमारे बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना और आपका सपना बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में जो है जरूर पूरा होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि सपना एक वो चीज होती है जो कि शायद आपको कोई भी इम्पॉसिबल काम पॉसिबल बनाने में आपकी हेल्प करती है, एक बर्निंग डिजायर होती है अंदर से। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू फिनिट।